से बारी नहीं आई थी आगे थी अच्छा अच्छा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन प्लीज कल का रिव्यू दो मिनट में पूरा कंप्लीट कर एनीवन आप हाँ प्लीज ट्रेनर बन के जा रहे हैं और फिर मुंह नीचे नहीं दिखने चाहिए एवरीबॉडी शुड बी रेडी प्लीज मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कल के थर्ड सेशन में हमारा स्टार्टिंग हुआ है जो हमें डॉक्टर साहब ने अपने अपने कॉन्सेप्ट्स जेजेएन के रिगार्डिंग तैयार करने को कहा था उनका प्रेजेंटेशन यहाँ पर हम सभी ने एक एक करके दिया है उसके बाद थर्ड सेशन में हमारा रहा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द ट्रेनिंग हमने प्रशिक्षण के लिए किस प्रकार से तैयारी करनी है उसके लिए काफ़ी कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं और लास्ट में हमारा जिस प्रकार से सेशन होता है सेशन को डिलीवर कैसे करना है उसका इंट्रोडक्शन कैसे होना है और लास्ट में कंक्लूजन ये तीन पार्ट्स इसके रहेंगे जिसके लिए तीन मेजर फैक्टर्स होते हैं वो है हमारा क्लॉज जिसको हमने ध्यान में रखते हुए करना होता है कीपिंग इन व्यू ऑफ द माइंड ये और दूसरा ईज है और लास्ट में ऑफ इन 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 तीनों बातों का जो है हमें विशेष ध्यान रखकर ही ये इसमें प्रशिक्षण में कार्य करना होता है वेरी गुड यहाँ से कुछ बातें अगर छूटी है यहाँ से पूरी हो सकती एनीवन फॉर दिस रूम Yes. सर इसके अलावा हमें आफ्टर ट्रेनिंग पोस्ट ट्रेनिंग में क्या क्या करना है और ड्यूरिंग ट्रेनिंग में हमें क्या क्या ध्यान रखने हैं इस चीज़ के बारे में लीडरशिप कैसी होनी चाहिए इसके बारे में तो ये हमने डिस्कस किया था फाइन थैंक यू कुछ और बातें छोड़िए एनीवन फ्रॉम द मेन Fast and quick, anyone? Hidesh, Indira Gandhi ki time acha. Ab ki acha sir. Ab ka acha hai? Ye acha hai. Mere hai, mujhe nahi karne.
मैडम जज महोदय कुछ तो छूटा है जहाँ पे आपकी भागीदारी भी थी। मनोज कुमार जी भी आए थे, उन्होंने नशा निवारण से रिलेटेड बातें करी और फीडबैक हमारी पार्टिसिपेशन थी कल हम लोगों की 5-5 मिनट से रिलेटेड और कुछ तो और था जो याद नहीं आ रहा। गाना भी आ जाए। चलिए फाइन, थैंक यू। तो मेजर तीन चीजें अगर पीओटी के संबंध में आपसे पूछे क्या सीखा, क्या किया ट्रेनिंग में, क्या बोले, क्या सीखा? एक और है क्या बोलेंगे आप यहाँ पे चार दिनों में क्या सीखा? लोग जब पूछेंगे ना जाएंगे तो पूछेंगे क्या बोलेंगे, बोलेंगे जल जीवन मिशन क्या है, इसके बारे में हमारी ट्रेनिंग थी तो उसमें क्या क्या किया ऐसा पूछेंगे। ये तो जल जीवन मिशन ठीक है पर आप तो ट्रेनिंग और ट्रेनर्स प्रोग्राम में आए ना कि हमें अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है दूसरों के सामने। हां तो क्या ये भी है कैसे प्रेजेंट करना दूसरों के सामने। हाँ और सबसे बड़ी बात तो ये है कि झिझक खत्म हो गई जो बोलने की नहीं बोल सकते थे वो सबसे बड़ा जो मेरी सबसे खुशी की है। कितने लोग हैं जिनकी झिझक खत्म हुई? कितने लोग हैं जिनकी झिझक कभी भी बनी हुई है? अभी तक किसी की नहीं। 25% ये सबसे बड़ी चीज है। साथ में एक ही बार बोले का मौका मिला जो हमने कल भी बोला कि आज तक बोला नहीं कहीं। अब साथ में आपको कुछ टेक्निकली भी एकेडमिकली भी एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास होना चाहिए। आपने सीखा सेशन को इंट्रोड्यूस कैसे करना, कैसे करेंगे इंट्रोड्यूस? ग्लॉस, व्हाट इज ग्लॉस? इंट्रोडक्शन। ग्लॉस की परिभाषा क्या है? गेट अटेंशन, लिंक विद प्रीवियस सेशन, आउटकम, स्ट्रक्चर, सिमुलेशन। ग्लॉस सेशन को डिलीवर कैसे करेंगे? ईज, व्हाट इज ईज? एक्सप्लेन, एक्टिविटी, समराइज, एग्जांपल्स। इज क्या है? दोबारा बोलो। एक्सप्लेन, एक्टिविटी, समराइज, एग्जांपल्स। राइट। सेशन को कंक्लूड कैसे करना है? व्हाट इज ऑफ आउटकम रिव्यूड, मतलब आउटकम रिव्यूड, रिव्यू करनी आउटकम कि हमने जो ये टाइम निकाला है ये कुछ लाभ हुआ इसका कि नहीं, आप तक हम अपनी बात ठीक से पहुंचा पाए कि नहीं, आप समझ पाए कि नहीं, उसको रिव्यू करना है। लास्ट में जब हम सेशन को कंक्लूड करेंगे हम रिव्यू करेंगे कि इसका लाभ कुछ हुआ तो समझ आया, तो रिव्यू करना है आउटकम, आउटकम रिव्यूड एंड फीडबैक। फीडबैक किसका फीडबैक? कि जो तरीका था हमारा, कंटेंट थे, बातें थी, उसको प्रेजेंट करने का तरीका था, वो फीडबैक ठीक है उसपे? आप क्या उसपे कह रहे हैं कि वो वही अच्छा है या कुछ और चेंज होना चाहिए था उसमें? दैट इज फीडबैक।
फीडबैक हम उस पर लेते हैं लोगों से एंड फ्यूचरिस्टिक व्यू मतलब फ्यूचर लिंक करना है, फ्यूचर के साथ लिंक करना है। कैसे लिंक करेंगे? आप यहाँ से ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद जाएंगे, फिर विभाग आपको फिर अपॉर्चुनिटी देगा कि आप अपने अपने वर्क प्लेसेस में अपने पंचायतों में एरिया में जाके लोगों को मोटिवेट करो, अगेन करो, ट्रेनिंग दो, तो आपको ये यहाँ का जो कुछ एक्सपोजर मिला है प्रचारों का वहाँ पे आपको काम आएगा। तो हम लिंक करें फ्यूचर से। नंबर टू, अगर ट्रेनर आपने अच्छा बनना है, अभी तो आप सिर्फ एक मोटी मोटी तौर पर ऑर्गेनाइजेशन वाली बात करें, ट्रेनर अगर आपने एक्चुअल में सर्टिफाइड ट्रेनर बनना है जहाँ पे आप लोगों की जरूरतों का भी आकलन कर सकते हैं। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? पहले तो हमें पार्टिसिपेंट्स की आवश्यकता क्या है जाननी की, वो समझना जरूरी कि आपकी नीड क्या है ट्रेनिंग की, वो समझ आ जाएगा। फिर उन जरूरतों के हिसाब से हम करिकुलम डिजाइन करते हैं कि उनकी ये जरूरतें हैं, इसको लेकर क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए, वो हम कंटेंट डिजाइन करते हैं, करिकुलम मॉड्यूल जिसको बोलते हैं, हम मॉड्यूल डिजाइन करते हैं और उसके बाद हम उसको डिलीवर करते हैं। अगर उसमें भी लगता है कि नहीं कुछ फीडबैक अलग आया है, कुछ और परिवर्तन की जरूरत है, तो उसको हम रिव्यू करेंगे, सुधार करेंगे और उसको नया तैयार करेंगे, दोबारा अप्लाई करेंगे। ये है थोड़े ऊंचे लेवल के जो एक्चुअल प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं उस लेवल का। आपने उस लेवल पे भी अगर किसी ने जाना है उनको फिर बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टफ रहना पड़ेगा, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो लॉन्ग ड्यूरेशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो ज्वाइन करने पड़ेगा, तब जाके प्रोफेशनल ट्रेनर लेवल तो उसके लिए स्कोप है। अगर कोई उस लेवल पे भी जाना चाहते हैं तो मैन फॉर लाइफ इज अ स्टूडेंट, हम जीवन भर विद्यार्थी हैं सभी लोग, तो सीखने की तो कोई जरूरत नहीं होती है, सीखते आगे बढ़ते हैं, वो भी इसको। तो हम ग्लॉस की बात कर सकते हैं, ईज की बात कर सकते हैं, ऑफ की बात कर सकते हैं, हालांकि इसमें एक और भी फीड भी आता है, फीडबैक को लेकर अलग सिस्टम है फीड FED, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया बिकॉज वो ट्रेनर्स के लिए है जिन्होंने ट्रेनिंग की इवेल्यूएशन करनी है, वो उस लेवल का है तो उसकी यहाँ पे वो रेलिवेंस नहीं है। क्या खास लेके जा रहे हैं आप यहाँ से और क्या खास देके आप जा रहे हैं? सर आप देखे क्या जा रहे हैं, आप देखे क्या जा रहे हैं दिल के अलावा? सबसे पहले तो मैं आपको मेरी आपसे बहुत बहुत बधाई कामना करता हूँ कि आप हमेशा अपनी जिंदगी में ऐसे जो भी इंस्टीट्यूट में आते हैं तो रन करने के लिए उनको अपने मन से अच्छी तरह से गाइड किया जाए और इससे ऊपर में आया आपके पास। सर आप क्या देखने जा रहे हैं? हम अभी हमारे को ट्रेनिंग दी और भेज रहे हैं और अभी हम पब्लिक कोच हो गए, हम ब्लॉक में जाएंगे, पंचायत में जाएंगे, हम अपना ये देने के बताएंगे उनको, हम और बताएंगे जब जल ही जीवन है, जल को व्यर्थ नहीं करना है, इसमें हम और कैसे बताएंगे। आप देखिए क्या जा रहे हैं? सब देखिए तो कुछ नहीं जा रहे, आप देखिए क्या जा रहे हैं? नहीं देखिए जा रहे, देखिए क्या जा रहे हैं, देखिए क्या जा रहे हैं। 5 मिनट इसके लिए बिल्कुल कल मेरा टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था जी, क्योंकि मेरा जो टॉपिक था वो था कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने कल भी इस बारे में बात की थी कि हम कहीं भी जाते हैं, बाजार जाते हैं, हम कुछ लेने के लिए जाते हैं तो हमें उसके बदले में कुछ देना पड़ता है, बट हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम लें ही लें, जैसे बाजार में तो हर एक चीज़ पैसे से मिलेगी, कुछ देना पड़ेगा जब भी कुछ मिलेगा,
यही ट्रेनिंग जो हम बाहर करेंगे तो हमें कुछ देना पड़ेगा तब ये सौदे आना मिले। प्रकृति के लिए हम जैसे बात की थी कि हम क्या देखें जाके जिंदगी से, तो इस चीज के बारे में थोड़ा बता। मैंने जैसे कल बताया था कि मैं एज ए पावर ऑपरेटर हूँ, और जो जो भी मैंने सीखा जिंदगी में, पहली बात ये सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकता है, बसर तो उसका लगन होना चाहिए। ये था मेरा कि मैंने मेरे को कभी बोलने का मौका नहीं मिला, यहाँ से कुछ कॉन्फिडेंस ले भी आ रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि ये कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ रहे। जिंदगी में ऐसा है कि अगर हमें सीखने को मिलता है तो ये जरूरी नहीं है कि हम बड़ों से सीख सकते हैं, छोटों से भी सीख सकते हैं। इसके लिए कोई लाइबिलिटी नहीं होती कि हमने अपने से बड़े से सीखना है, क्योंकि मैंने अगर एक ऑटोमोबाइल की आइडिया की थी, अगर मैं सिविल का, सर्वेयर का, अपने अकाउंटेंट का कुछ भी अगर मैं सीख पाया हूँ तो वो मेरे जो साथी थे उनका सहयोग रहा है और कुछ मेरी लगन थी, कुछ जरूरतें भी होती हैं। तो मैं सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि जिंदगी में तो उम्र नहीं होती कुछ, अगर आपको मिल रहा है लगन होनी चाहिए आपके। एक मैकेनिकल के लिए सिविल का और क्या बोलते हैं उसको अकाउंट का कोई मतलब नहीं होता। ये चीज़ें जो है वो हमारे जीवन में हर एक जगह काम आएंगी, जरूरी नहीं है कि ये ट्रेनिंग हमारे शेड्यूल जो भी हुआ है ये डिपार्टमेंट में काम आएगा, आपके परिवार में भी काम आएगा। हम बच्चों को कैसे डील करते हैं, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनको कैसे मोटिवेट करते हैं, यही मेरी इच्छा है कि अगर हम यहाँ से जा रहे हैं जी तो देखे जो भी जा रहे हैं, बट हम देखे क्या जा रहे हैं ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अगर आपसे कुछ सीख के जाएंगे तो मेरी यही इच्छा है कि हम आपको कुछ अच्छे विचार, आप भाइयों को जिंदगी में कुछ करने के लिए मौका जहाँ भी मिले, क्योंकि नौकरी में जो करेंगे हम उसके लिए अनाटा समझेगा, बट हम इन्वायरमेंटल, हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं, हम अपने आगे वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, ये चीज़ ज्यादा मैटर करती है। हम अपने विचार अगर उनके तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एक चीज़ और मैंने कल डिस्कस की थी कि ये जो हमारा भौतिक ज्ञान है इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाया था। भौतिक ज्ञान जो है वो हमारा इसलिए इस जीवन में तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, किसी ने प्लस टू की हुई है, किसी ने ग्रेजुएशन की हुई है, किसी ने एमए की हुई है, किसी ने बीएड की हुई है, जो भी है वो इसी जीवन तक सेम रहेगा, बट जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमें पीढ़ियों तक जो है वो काम है। आपने बताया नहीं आध्यात्मिक ज्ञान होता क्या है। आध्यात्मिक ज्ञान सर इसमें ऐसा है कि ये जो हमारा जीवन चक्र है, हमारा जीवन चक्र जो है एक मुक्ति जिसे बोलते हैं, इतना ज़्यादा नहीं जाऊँगा आगे, बट इस चीज़ को इसको प्राप्त करने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अभी जो हम पढ़ाई करेंगे वो हमारे इसी जन्म में काम आएगी, अगली बार जब हम जन्म लेंगे तो ये पढ़ाई हमें दोबारा से पहली में दाखिल होना पड़ेगा। जबकि जो आध्यात्मिक हमारा जो मानव मनुष्य का जो उद्देश्य है प्राप्ति के लिए, जो एक अलग मैटर है, वो जो उद्देश्य है वो पूरा आप कितने जन्मों में करते हैं, उसके लिए आप कितने जन्म लगाते हैं। इस जन्म में आप दो से भी करते हैं तो ये नहीं है कि अगले जन्म में आपको फिर पहली सीरीज आपको तीसरी पीढ़ी तो है। मेरी यही है कि आप जीवन में मौका मिला है तो कुछ ना कुछ लेके जाए आने वाली चीजों को, बच्चों को बड़ा आप
आप सर देख के जा रहे हैं क्या देखिए सर और यहाँ से बहुत सारा ज्ञान सर यहाँ लेके जा रहे दिया होगा कुछ लेके जा रहे लेके भी ज्ञान जा रहे आपको एक होप देके जा रहे हैं जो आपने हमें सिखाया वो हम आगे लोगों में डिलीवर कर पाए ज्ञान वेरी सर देखिए सर मैं अपनी तरफ से आपको और इस इंस्टीट्यूट को ढेर सारी दुआएं लेके जा रहा हूँ कामना करता हूँ कि परमात्मा इस इंस्टीट्यूट और आपको इन चीज़ों तक पालित करे बहुत बहुत धन्यवाद ये इंस्टीट्यूट आप सबका है तभी इंस्टीट्यूट है सर लेके क्या जा रहे हैं सर हम लेके जा रहे हैं सर कॉन्फिडेंट लेके जा रहे हैं सर गुड विश गुड विश सर अपने विचार प्रकट करके जा रहे हैं कुछ शिक्षित हैं मतलब कुछ यहाँ से सीखे जा रहे हैं और ट्रेनिंग सीख रहा जे जे उनके बारे में कुछ ज्ञान की वस्तु के बारे में कुछ मिला एनीथिंग जो भी था आपने बताया बहुत अच्छा भाई बताया इसलिए हम आपकी कामना करते हैं कि आप सदा भार ऐसे रहें और सदा भार बने समय प्रतिभागिता और विचार एक्सेलेंट अब एक रियल फीडबैक चाह रहे हैं ट्रेनिंग को लेकर बाकी कुछ कमियां रही हैं वो सब कॉमन चीज़ें होती रहती हैं इम्प्रूव करते हैं ठीक करते हैं वो तो एक हमारा मैनेजमेंट का पार्ट है ट्रेनिंग के एंगल से हम बात करना चाह रहे हैं फीडबैक क्या है हाउ वाज़ द ट्रेनिंग ओवरऑल फीडबैक क्या था दोबारा से सर ट्रेनिंग को लेकर फीडबैक क्या है आपका जो चार दिन के लिए यहाँ पे आप ट्रेनिंग के लिए सीखने के एंगल से हम बात कर रहे हैं ओवरऑल फीडबैक क्या है चार दिन के इसमें वैसे चलेगा हमारा ये जो IIRD ने चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रहा जिसका आज अंतिम चौथा दिवस है इसमें जो भी हमारा NJJM से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स रहे हैं वो सारे ओवरऑल डिस्कस हुए हैं और जिसमें हम लोगों की अपनी भी क्वेरीज होती हैं दिमाग में कि इसमें ये होना चाहिए था वो नहीं हुआ ऐसा है वैसा जो भी है ओवरऑल डिस्कशन हमारा हुआ है जो कि हमें डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया है हर पिक्चर इन्होंने हमें विजिबिलिटी में दी है और विचारों के अगेंस्ट भी हमारा आदान प्रदान जो हुआ है वहाँ पर हमें सारी बातें डिस्कस होके हर चीज़ क्लियर आउट हो चुकी है इसके बावजूद इनके द्वारा जो इनका एक अपना प्रेफरेंस है अपने जो विचारों को प्रस्तुत करने का जो इनका अपना एक सिस्टम और जो लहजा है वो हमें शायद ही पहले कभी नहीं देखने को मिला होगा या हुआ है उसका मैं अपनी तरफ से इनका तह दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत और धन्यवाद भी करता हूँ क्योंकि उन्होंने आज इंटरव्यू दिया और अंत में मैं आगे फ्यूचर इन फ्यूचर भविष्य में भी यही कामनाएं अपने से करता हूँ अपने सभी प्रतिभागियों से करता हूँ और अपने साहब से की ओर से भी करता हूँ कि हमारा जब भी आगे कोई इस तरह का प्रोग्राम कोई एक्टिविटी कोई ऑर्गेनाइज होती है कहीं पे भी तो इनकी तरफ से हमारे लिए सभी के लिए गुड विशेज रहें कि हम उसमें भी ओवरऑल सक्षम होकर आगे निकले सर हमारा यहाँ चार दिन का जो प्रशिक्षण रहा है IIRD ने जो कार्यक्रम चलाया उसमें हमने आपसे यहाँ पर बहुत कुछ इस पेपर पर सीखने को मिला है हमें सर आज तक पहले कभी ऐसा इस तरह का कहीं भी कोई मौका नहीं मिला तो अगर कहीं मौका भी मिला तो वहाँ हमें वैसे ही अगर कहीं जैसे खड़ा उठना पड़ता तो वैसे ही कंपन हो जाते हैं
तो यहाँ पर सर हमारे इस तरह का जो झिझक थी हमारा जो था वो दूर हो गई है। तो बाकी तो सर जल जीवन मिशन के बारे में चार दिनों से हमारा इस तरह का डिस्कशन भी चलता रहा। तो बाकी हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं सर आपका जो जो इस तरह का जो मिशन है ये और भी ज़्यादा इससे भरता फूलता रहे सर, यही भगवान से। थैंक यू। सेम सीरियल नंबर जी सर। सर हमारा चार दिन का जो ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम चला था इसके बारे में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, जे जे एम मतलब और इसके बारे में जो भी मतलब प्लानिंग का सबमिट का जो भी इसमें आया प्लानिंग थी आपने हमारे वो हर चीज़ के बारे में बताया, ड्राइंग भी बनाई हमने और हर घर के लिए नल के बारे में कुछ प्राप्त किया, कहीं डिस्कशन की थी हर आदमी को पानी कैसे दिया जाएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, इसका प्लान कैसे बनाया जाएगा, सोर्स से पानी कैसे पकड़ा जाएगा, उसमें ब्लीचिंग फ्लोरिंग कैसे दी जाती है, मतलब हर आदमी की मतलब डिस्कशन हुई। इसलिए हमने मतलब अपने विचार प्रकट किए, आपसे कुछ सीखा और आपने हमारे को कुछ बताया, तो इससे मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दोबारा ऐसा मौका मिलना चाहिए दोबारा हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, और थोड़ा सा हमारे को जैसे लंबा पीरियड मिलना चाहिए एक आध हमें घूमने के लिए मिलना चाहिए। जैसे हम शिमला में आए कम से कम एक दिन तो आपके रूम का अगर इंटरेस्ट है तो एटलीस्ट मॉल रोड होते निकला जा सकता है, तो ऐसा किया जा सकता है। सर जो ये मैं ट्रेनिंग और ट्रेनर का भी ये भी हमें प्रशिक्षण दिया गया चार दिन का, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। वैसे तो ये जो जे जे एम का प्रोग्राम है वैसे तो इसकी ट्रेनिंग हमें पहले भी दी जा चुकी है कई बार, लेकिन जो अपने आप को ये पेश करने का जो हमें ट्रेनिंग दी है आपने ये हमारे लिए कुछ नई ट्रेनिंग थी जो हमें बहुत मतलब अच्छी लगी और हमारे अंदर से जो झिझक थी वो भी काफ़ी हद तक बाहर निकल चुकी है, जो हेजिटेशन जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। वैसे पंचायतों में भी हम बहुत बोलते हैं लेकिन जो बात यहाँ पे है वो पंचायतों में नहीं है सर। सीखने को तो सर सीख ही जो आपने सिखाया पर जो आपके प्रतिभागी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया हमारा। दूसरा उस रात को मैं बाराई बाई पहुँचा था उन्होंने ऊपर से रात में उन्होंने छोड़ा हुआ सर मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग है ये और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपसे हमने ट्रेनिंग ली, बहुत कुछ सीखा, क्लैरिटी तो हर चीज़ की हो ही गई है जो भी आपने सिखाया। बस अब आगे ये उम्मीद है कि दोबारा आप हमारी ट्रेनिंग लगाए और हम आप ही से सीखें क्योंकि आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ चीज़ें सर कम रहेगा थोड़ा टाइम। हाँ जी सर जो ये हमारा चार दिन का कार्यक्रम था इसमें हमने आपने मतलब हर एक चीज़ हमारे को बड़े ब्रीफ से चार दिन की ट्रेनिंग में हमने एक बात की थी ऑरा की, तो मुझे लगता है कि सर से हमें पॉजिटिविटी मिली है। सबको याद होगा ऑरा के बारे में, तो फुली पॉजिटिविटी मिली है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ है सब में जहाँ तक मुझे लगा है। इस चार दिन के प्रशिक्षण में बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताएं, लेकिन हो सके एक दो मेंबर जो गेस्ट और बता रहे हैं बता देते हैं कोई अपने आगे बता बुला लेते हैं आ रही है अभी आते शिक्षण था कार्यक्रम था ही बहुत अच्छा था और इसमें जैसी चीज़ों में कैसे प्रेजेंट करना है मुझे बहुत अच्छा। सर ये चार दिन का जो प्रशिक्षण सत्र था बहुत अच्छा रहा, इससे पहले भी हमने मैंने कम से कम 5-6 ट्रेनिंग की होनी, परंतु उसमें क्या था कि हमें सिर्फ सिलेबस के बारे में बताया जाता था कि ऐसे ऐसे ये आपका सिलेबस है ऐसे इसको आपने करना है, परंतु यहाँ आके हमने ये सीखा कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हमने कैसे आगे जा के प्रजेंट करना है। बाकी तो सर यहाँ जो खाने की व्यवस्था है रहने की व्यवस्था है बहुत बहुत ही अच्छी है, और जैसे आप सुबह के सत्र में एक प्रार्थना से शुरू करते हैं वो मुझे सबसे अच्छा लगा। खड़े रिस्पेक्टेड सर,
ऑल पार्टिसिपेंट्स, सभी को मैं प्रणाम। जो हमने चार दिन की ट्रेनिंग ली, मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरी ये फर्स्ट टाइम मीटिंग है, फर्स्ट बार अटेंड कर रहा हूँ। हमको आपसे बहुत सीखने को मिला सर, जो आपकी विचारधारा है वो बहुत अच्छी है। जब भी हम सर आपसे नेक्स्ट टाइम मिलें, कहीं मिलें, तो हमको ये गर्व हो कि हमने आपसे शिक्षा ग्रहण की है सर। थैंक यू सर। हम बिंदास मिलेंगे, जब भी मिलेंगे सर, कहीं मिले आप जिस तरह से एक रोज एक लड़का हमसे ट्रेनिंग लेके गया सर। थैंक यू सर। जो भी यहाँ प्रोग्राम था बहुत ही अच्छा था सर। ये इन चार दिनों के प्रोग्राम में हमने अच्छे ट्रेनर बनना सीखा, और वैसे पहले भी ट्रेनिंग बहुत लगाई है, लेकिन ये ट्रेनिंग जो थी वो थोड़ा हटके थी, उसमें हमने अच्छे ट्रेनर बनाए, तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है सर। ये चार दिवस की कार्यशाला में हमें ये जो सारे कंसेप्ट सिखाए गए, ये हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, और हम आगे इनको बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सीखने को मिला आपसे, बहुत कुछ सीखने को मिला, जगह जगह से लोग आए थे, उनके एक्सपीरियंस शेयर किए, आज कुछ सीखना होगा सर। चार दिन का जो प्रोग्राम था उसमें सारी वो बातें आप लोग अच्छे से सुनिए, मैं चाहता हूँ जैसे आगे भी कोई मीटिंग हो वो आपका एक सेशन जरूर होता है। खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ ट्रेनिंग के लिए एक्सीलेंट। चार दिनों का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और हम खूब सारा ज्ञान लेके जा रहे हैं सर। ये TOT प्रोग्राम जो IIRD ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और स्पेशली सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर जो चार दिन का सेशन रहा है, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है, और आपने हमें ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं, हमारे जीवन की भी बहुत अच्छी बातें बताई हैं, और मोटिवेशन भी किया है सर, बहुत अच्छा लगा। सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है हमारी। हमारे जल जीवन मिशन के बारे में पहले से पता था, लेकिन इतना पता नहीं था जितना आपने बताया, और जो कमेटियाँ बनाई थी उनका क्या काम है वो पहली बार हमें पता चला कि ऐसे, और जो हमने ट्रेनिंग ली आगे ट्रेनर बन के हमने आगे पहली हमारी पहली ट्रेनिंग है, आज तक हमने ऐसे मतलब खड़े नहीं हुए चार आदमी के सामने, पहली बार बहुत अच्छा लगा सर। हमने चार दिन में बहुत कुछ सीखा, जो ट्रेनिंग के बारे में भी, अपने जीवन के बारे में भी आपने बहुत कुछ बताया, इसके लिए मतलब आपका तहे दिल से धन्यवाद। और इसमें टाइमिंग थोड़ी कम थी, जो हम आपसे ज़्यादा सीख सकते थे उसके लिए टाइम थोड़ी कम थी, उसके लिए धन्यवाद सर। सीखने को तो आपसे बहुत कुछ मिला, मैं बहुत ही ज़्यादा जितना कि आज तक हमने मुझे सीखा नहीं किसी टीचर से, और आपके सिखाने का अंदाज भी बहुत बढ़िया है सर। एक तो आपका जो पर्सनैलिटी है, हंसमुख चेहरा है, उससे बिल्कुल सर इसमें कोई हिचक वाली बात नहीं है, उससे आप लोगों को सीखने ज़्यादा मिला। और सबसे मेन बात है सर कि हम दो आदमियों के सामने बोल नहीं सकते थे, तो वो हिम्मत आपने जो हमें दिलाई है सबसे बढ़िया हमारी बात है, तो हम आगे जाकर गया उसको भी हिचक भी बोल सकते हैं दस साल के लिए। सर जो हमारे चार दिन का सेशन था उसमें हमने आज से बहुत कुछ सीखा है, और उसे हम लोग आगे अचीव करेंगे। जो हमारा जॉब का जो चार दिन का था छा, और जो आपने बहुत धर्म की कथा जो उसने सुनाई वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैं उस साहब का अच्छे से सर को भी कह रहा था मन में, मैं सब कुछ छोड़ देते हैं वो तो काफ़ी हो गया था। भगवान दो बच्चे रोटी से खाने के लिए आराम से, धन्यवाद। व्हाट इज वे फॉरवर्ड, आगे क्या, यहां से जाने के बाद क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्या है। हम जो भी ग्रहण करते हैं क्या हम उसको अपने जीवन में लागू करते हैं कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
इन चार दिनों का जो भी समय हमने इन्होंने दिया है इस्तेमाल किया है, इसका लाभ कब मिलेगा? अगर आप वर्क प्लेस में जाने के बाद अपने जीवन में, अपने कार्य में कुछ न कुछ लगेगा, दिखेगा और महसूस होना चाहिए आपको भी और दूसरों को भी, शिमला गए थे कुछ बदल के आए हैं, क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा जीवन में? अगर हम हमारी दिनचर्या, हमारा सोचने का तरीका, काम करने का तरीका वही जो आज तक था वो भी अच्छा था, बुराई नहीं, पर अब तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जो भी अच्छा था उससे ऊपर हम जाने चाहिए। ऐसा क्या है जो आप अपने वर्क प्लेस पे दिखाएंगे कि कम से कम ये एक ऐसी बात है जो वहां पे दिखेगी सबको? सर नंबरिंग तो जैसे हम पहले ज्यादा दिनों के सामने किसी अपनी बात को समझा नहीं पाते थे, सारी बातें किसी टॉपिक को, जैसे कोई भी टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात करनी हो उसको हम ढंग से बोल नहीं पाते थे और ना ही समझा पाते थे। अब हमें इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया है कि कम से कम 10-15 आदमियों को हम बड़े आराम से समझा सकते हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। वेरी गुड, एक तो ठीक है, सबकी अलग अलग हो सकते हैं, एक ये वाली बात है। और रेंडमली अगर जाने की कोशिश करें क्या है जो हम दिखेगा वहाँ पे कि हम कुछ अलग हैं? जो अभी मतलब जो पहले तक का जो हमारा शेड्यूल रहा वो तो रहा, जैसे डायरेक्टली हम अपना जो सिस्टम होता था उस हिसाब से लोगों को मोटिवेट करते थे, मतलब डायरेक्ट इंटरफेस जुड़ता था। तो यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के बावजूद ये जो ग्लॉस वाला सिस्टम आपने बताया है जी सर, इसको ही आगे उतार कर अपने आप को रिप्रेजेंट किया जाएगा? मैं तो अपने जीवन में इसको उतार कर ही आगे अपने आप को प्रेजेंट करूँगा, ये मेरे दिमाग में इस टाइम चल रहा है। बहुत अच्छा सर। इसके अलावा एक बड़ी बात है, वो है हमारी एटीट्यूड, दृष्टिकोण जीवन के। अक्सर हमारी शुरुआत जब कोई हमसे पूछते हैं काम की बात होती है, हमें कुछ करना होता है, बहुत लोगों की शुरुआत ना से होती है, ये नहीं होती इसमें दिक्कत है, ऐसा है, आज नहीं कल होगा, अभी समय नहीं। हम बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा का संप्रेषण करते हैं कई बार, काम हो या ना हो हमारी कैपेसिटी में वो करना है या नहीं है, सारे काम सब आदमी नहीं कर सकते, कुछ हो सकते कुछ नहीं हो सकते, लेकिन क्या हम नहीं होने वाले कामों को भी इस ढंग से लोगों को सामने रखें कि उनको फील गुड हो, फील वेल ना हो, ये दृष्टिकोण का सवाल है। पहली बात, मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ हैव सॉल्यूशंस, जीवन में जितनी सारी समस्याएं उनके समाधान ये सत्य है, लेकिन उन समाधानों पर सभी लोग पहुंच पाए ये जरूरी नहीं, उन समाधानों तक सभी लोग पहुंच पाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं सभी। और प्रयास करने से क्या होगा, हमारे कर्म बढ़ने शुरू हो जाए। लोग कहते हैं ना कि हम तो मेरे तो भाग्य में ऐसा नहीं था इसलिए नहीं हो पाया, भाग्य तो कर्मों से बने, प्रयास से बने। प्रयास क्या है, कर्म, एक्शन, अच्छा सोचना, अच्छा अच्छा करना, वही कर अच्छा करो। तो हम नहीं भी होने वाली उसको भी होने की संभावना पैदा की जा सकती है, क्योंकि वैसे कर्म हमें पैदा करने पड़ेंगे, वैसे विचार हमें वहां पर फेंकने पड़ेंगे, और वैसे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वैसे प्रयास हमें करना पड़ेगा। और कभी भी जीवन में उन शब्दों का इस्तेमाल ना करें
जो शब्द हमें खुद को अच्छे नहीं लगता हम दूसरों के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल ना करते। नेगेटिविटी बिल्कुल लाइफ से दूर कर, और सुबह उठते सबसे पहले हमारा रेजोल्यूशन होना चाहिए। क्या हमारा एक संकल्प होना चाहिए? क्या संकल्प होना चाहिए? कि दिन आज बेहतर होने वाला, आज मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगी, मैं ऊर्जा से भरपूर हूं, मुझ में वो क्षमता है कि जो दैनिक समस्याएं आती है उनसे ऊपर उठ सकते हैं, उसका समाधान हम खोज पाए। हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें वो सभी प्रकार की वो ऊर्जा है। पॉजिटिव हमेशा अपने आप को रिजॉल्व करने के साथ शुरुआत करो। और कई जगह क्या होता है कि कुछ लोग बहुत नेगेटिविटी के साथ प्रभावित होते हैं, वहां शुरुआत समस्याओं से होती है, समस्याओं के गिनने से शुरुआत होती है। और जब हम समस्याएं ज्यादा गिनेंगे तो समस्याओं का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। शब्दों में भी शक्ति होती है, जो हम कहते हैं वैसा होता है मीन्स वैसा होने के लिए माहौल बनना शुरू हो जाता है। तो जब भी हम समस्याओं को देखें, चर्चा करें, तो उसके समाधान की दृष्टि से बात करें। जब भी हम समस्याओं को समस्या के रूप में कहेंगे, ज्यादा उस पर व्याख्यान करेंगे, तो समस्या का आकार भी बढ़ेगा, आयतन भी बढ़ेगा, मास एंड वॉल्यूम दोनों बढ़ेगा। तो हमें समाधान की दृष्टि से देखना और पॉजिटिविटी के साथ इनकी शुरुआत करनी। आप देखेंगे कि धीरे 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 नेगेटिविटी आपके जीवन से चले जाए। और जीवन में जितने भी जटिलताएं हैं, जितने भी समस्याएं हैं, सबका समाधान खोजना भी जरूरी नहीं है। हर चीज का समाधान मिले जरूरी नहीं है, और हर चीज का समाधान निकालना भी जरूरी नहीं है। कुछ बातें बिना समाधान के भी साइड नर तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सुबह उठ के हम जो संकल्प हमारा हो वो अच्छा संकल्प हो, पॉजिटिव संकल्प हो, बेहतरी की ओर ले जाने वाला संकल्प हो। इसे पूरे दिन की आपकी जो ऊर्जा है वो मेंटेन होनी शुरू हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मौसम आज बरसने वाला है। तो कुछ सुनाना चाहेंगे? चुटकुले परसों के रह गए थे किसी के? किसी के चुटकुले रह गए थे परसों के? अगर किसी को याद है तो आ जाए। किसी को अगर याद है कि परसों के चुटकुले रह गए, अगर उनको याद है तो आ जाए स्टेज पे। सर मुझे याद है तो आइए। मैं भूल गया वो चुटकुले। नहीं वो तो अब कुछ टाइम तो हमारा लगना ही है। वो लगना है कि यहाँ पे चीफ गेस्ट ने भी आ रहा है, उन्होंने सर्टिफिकेट दे रहे हैं, एक और भी स्पीकर है, जो समय बेसिक लगना वो तो लगना है, उनका वेट तो करना ही पड़ेगा। अगर याद है तो देख लो। अच्छा तो आप क्या चाह रहे हैं? हम द्वारा वो सुरीली आवाज सुने। सर करो इधर, मजा आ गया। सबसे पहले
मेरी तरफ से आपको सभी को नमस्कार। सर ने मुझे यहाँ मंच पर गीत गाने के लिए आमंत्रित किया है, इसके लिए इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जुग जिए दारा रे हो गुजरो तेहा मेरे गडा जो बस का हो। जुग जिए दारा रे मगड़ूरा पानी पिया जाने मेरी ओ हो ठंडे ठंडे मगड़ूरा पानी बाबू मेरा गारडे जंगलाती हो ते ही जान्द आता दिन राती हो। जुग जिए दारा रे हो गुजरा ते आ मेरे गाड़ा जो बस का हो। ठंडे मगरूरा पानी हो चम चम पीड़ा जाने मेरी हो। ठंडे ठंडे मगरूरा पानी हो चम चम पीड़ा जाने मेरी हो। जुग जिए दारा रे हो गुजरा मेरे गाड़ा जो बस का हो। धन्यवाद जी। क्या बात है, आप रेडियो से भी गाते हैं क्या? आप रेडियो से भी गाते हैं? सर ये जो आपने सर गाना चाहिए बहुत मधुर, ये तो इनसे सीखा सर, इन्होंने मेरे को कल थोड़ा पूछा। आप क्या ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि आपकी बात इनकी बारी? ओ चंबा हरिया भरिया, ओ चंबा हरिया भरिया, हरिया भरिया रांझणा हो। हरिया चंबे दिया डाटिया हो, न चंबा हरिया भरिया, कौन चंबा हरिया भरिया, हरिया भरिया रांझणा हो। हरिया चंबे दिया काटिया हो, निगले होड़े करिया, ओ निगले होड़े करिया, होड़े करिया रांझणा हो। ससुन सारा तजाग दे हो, निगले होड़े करिया, ओ निगला होड़े करिया रांझणा हो। ससुन सारा निजाग दे हो, निचंबा हरिया भरिया, ओ निचंबा हरिया भरिया, हरिया भरिया रांझणा हो। हरिया चंबे दिया घाटिया हो, निचंबा हरिया भरिया, हरिया भरिया रांझणा हो। हरिया चंबे दिया घाटिया हो, निगले होड़े करिया, ओ निगला होड़े करिया रांझणा हो। जेठता जठाणिया जागदे हो, निगला होड़े करिया रांझणा हो।
जेठ जेठानिया जाग दे हो निचंबा हरिया ओ निचंबा हरिया भरिया हरिया भरिया रांझणा हो हरिया चंबे दिया घाटिया हो निचंबा हरिया ओ निचंबा हरिया भरिया हरिया भरिया रांझणा हो हरिया चंबे दिया घाटिया हो। थैंक यू। छम रुआ कुंजुआ कपड़े दुआ छम छम रुआ कुंजुआ बीच पटर निसाड़ी हो मेरी ये जिंदे बीच पटर इंदा कुंजुआ राती बे बरती मत इंदा कुंजुआ बेरी भरिया बंदूकां हो मेरी ये जिंदे बेरी भरी बंदूकां हो चलो ओ तिजो गिल राम जरूर चंचलो चाहे बेरी जमाना हो मेरी ये जिंद चाहे बेरी जमाना हो चंबेरे चुगाने मेरा डेरा कुंजुआ चंबेरे चुगाने मेरा।
मेरा डेरा कुंजुआ बूटा पीपल निशानी हो मेरी ए जिंदे बूटा पीपल खुद तू चला बे दूर दूर कुंजुआ पुते चला दूर कुंजुआ मिंजा दे जा निशानी हो मेरी ये जिंदे मिंजा दे जा लांदा कुंजुआ छाती कान छाती तू मत लांदा कुंजुआ छाती बड़दा मुसारा हो मेरी ये जिंद छाती बड़दा मुसारा हो सर कुछ गड़ा करूँगी अब कंक्लूजन आप इनसे चाह रहे हैं क्या क्या हो गया कुकिंग गॉसिप कर रहा कुक कर दो चीजें गॉसिपिंग एंड कुकिंग वेरी गुड आपका सर प्लेइंग क्रिकेट तो आपने सबसे बढ़िया बुक जो आज तक लगी आपको कौन सी जो आप तो बहुत पढ़ी होगी एक जो बेस्ट एक्चुअली में सर हिस्ट्री का हिस्ट्री इंडियन वर्ल्ड सर वेल जी सर ने जो बुक लिखी और विद एन एवर टेक ओह वेरी गुड सर सीता लीविंग आई थी क्या बेस्ट बुक जो आपको लगी बात है सर मैं हिंदी की बुक्स हिंदी की कौन सी जो आपको अभी तक की अच्छी लगी हो कबीरदास के बारे में कबीरदास मैडम गार्डन सुनना और बुक करना कुक में स्पेशल क्या बनाती हैं सब कुछ नहीं जिसमें कि मेरे हाथ का डिश मैं मेरी कुकिंग में हॉबी है और हलवा मैं अपने हाथ से बनाऊं तो मुझे तो संतुष्टि होगी मैं खुद बनाता हूँ नॉर्मली परसों तो नहीं बनाया मैंने पर अगर मुझे मौका मिले मैं खुद जाता हॉबी आप सर जी मेरी हॉबी है कि हम जैसे जिंदगी के ऐसे हटकर कुछ अलग सोचते हैं अपने लाइफ के बारे में जैसे कि ये जो हमें स्टेज मिला यहाँ पर ये हमारे पिछले कुछ कर्मों का खेल है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे के लिए हम अच्छे कर्म करें तब तक आगे और मतलब इससे अच्छा स्टेज और संत मत की किताबें पढ़ना संत मत किन की किताबें पढ़ते हैं किसी सत्संग से जुड़ी हुई हैं आप कौन है पुराना गीत का गाने वाला जो पसंदीदा है मोहम्मद कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है क्योंकि बोलेंगे गाना पड़ेगा और भी देखते हैं आप लर्न करना पड़ेगा क्रिकेट सॉन्ग सुने क्रिकेट खेल वाह सर सब कुछ नया सीखा और
आपने तभी आप मोटर मैकेनिक से आप कई विधाएं आपने पैदा कर दी, इसी का परिणाम है जी। कहाँ घूमे फिरे आप अभी तक, कोई खास जगह जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ गया तो आनंद आया? सर मुझे सबसे बढ़िया लगा है जैसे दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम बहुत अच्छा लगा मुझे। क्रिकेट एंड वॉलीबॉल भी खेलते हैं, वॉलीबॉल में क्या है सेंटर राइट जी, कुछ ना कुछ चीजें सीखना है सर, विचार करना होगा उसको डाल कर। कौन है जो कौन सा गीत है जो आपको यहाँ लगता है? खो-खो खेल रहे आप डिस्ट्रिक्ट के, वाह ग्रेट। अभी कभी भी खो-खो खेलते हैं? पुरानी बात है, वाह बहुत बड़ी बात है सर। आपकी सुनो, इधर भी सुनो जनाब, कुछ खास हॉबी बता रहे हॉबी तो शतरंज खेलना है, शतरंज अच्छा है बात। और कुछ ना कुछ जिंदगी में नया सीख कर पाते हैं। आप शतरंज के खिलाड़ी गुड सर, ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग कहाँ कहाँ घूमे आप? हिमाचल में नेक्स्ट मंथ पर तो सबसे कोई का इलाका हम यहाँ से गए थे पास होते हुए उदयपुर, उदयपुर टू किलाड़ तो 90 किलोमीटर था फसला है। हाँ, उसमें कोई कहीं निचले साइड कौन चंद्रवाला नदी ऊपर से ग्लेशियर पत्थर आ रहे हैं, जिंदगी का खतरनाक हो गया। फिर किलाड़ ठहरे किलाड़ से बाय सास पास एक ऐसी जगह है जहाँ से मैं गया हूँ सास पास, मन निकलता है आने का बहुत जबरदस्त बात वहाँ से। गुड सर, अभी आपकी गीत गाने तो एक है ही सर, मैं स्पोर्ट्स वगैरह कबड्डी वॉलीबॉल खो खो और एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, इसके साथ साथ मैं म्यूजिक में भी शौक रखता हूँ और साथ में सुनने मिलने का भी शौक रखता हूँ। आपके विशेष स्थान जो आप घूमे विशेष जिसकी यादें लंबे समय तक रही? विशेष तो सर कोई ऐसा है नहीं, पर मैं हिमाचल में जितने भी मतलब मंदिर थे सर लगभग, लेकिन एक आप दोनों घूमने फिरने वाले हैं, एक जगह आप बिल्कुल नहीं गए बताओ कौन सा इनका वो खजाना है? डिप्लोमा भी मेरा अच्छा और लोगों को शिकायत बहुत ज्यादा, मेरा सर्विस बहुत ही एक बार मैंने 40 लाख भी निकाला थी 40 लाख जैसे सर्विस बड़े लगे होते थे नेशनली उनको मैं नीचे लगा दिया सभी नहीं मैनेजर और शिमला और मनाली सबसे अच्छी। ये तो आपका था बचपन का शौक, बचपन का शौक क्या है? बचपन का अभी का अभी गुड गुड मैच है यार,
ट्रैवलिंग कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं। किसका म्यूजिक सुन रही है? नहीं, शास्त्रीय संगीत सुनती है। हिंदी और पंजाबी में कौन है कौन सा सॉन्ग पंजाबी हिंदी का कौन सा सॉन्ग फेवरेट है? स्पेशल आपका कोई एक एक डिश ऐसी जो आपको लगता है कि इसके लिए नहीं बेहतर सबकी बातें सुनी, हमारे कैमरा मैन साहब की बातें सुनी। जीवन सर, आपके क्या है हॉबीज? मेरा तो अपना काम जी कैमरा चलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी घूमने फिरने का शौक था वो पूरा हो गया है, और वो भी मैंने अपने पैसे से नहीं किया, काम के पर्पज से गया। लगभग ऑल इंडिया घूम लिया, कोई कुछ एरिया रहता है तो अब तो सिर्फ अपने काम के। पड़ोसी ज्वाला जी से हैं जी सर। अच्छा, हाँ जी। आपकी मुलाकात हुई? हाँ जी हुई। मेरी हॉबी है, मेरी हॉबी है, मैं इनोवेटर हूँ, नया सोचता हूँ, बड़ा सोचता हूँ और उसके लिए कोशिश करता हूँ। मैंने कुछ नई बातें खोजी हैं जो मेरा जीवन का सार है। अब लक्ष्य जीवन के ही उनको अगर मैं जमीन पर उतार सकूं, इस पर काम कर सकूं, तो वो मुझे लगा कि जो दुनिया में आए हैं मैं बेहतर करते जा रहा हूँ। तो दो उद्देश्य हैं, एक बिजनेस का उद्देश्य, बिजनेस का पैसे कमाने वाला नहीं है वो, पैसे तो ऑटोमेटिकली आएगा। बिजनेस का मतलब एक बहुत बड़ा इंटरप्राइज क्रिएट करना है जहाँ पे लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। कुकिंग प्लस शॉपिंग। सर अपनी एजुकेशन के बारे में तब आप लोग इतने पद पे पहुंचे कैसे, कहां कैसे? ऐसे लाइक छोटी सी जगह पे आज कहां से लाइफ में कैसे क्या बता रहे हैं। मेरा जन्म तो गांव शोली गांव है, शोली नंदी पंचायत में पड़ता है। जी जी जी, सुना तो होगा कुछ लोगों ने नाम नंदी का नाम सुना है। नंदी शोली पंचायत है, वहां से वहां का रहने वाले।
माता जी पिताजी अब दोनों नहीं, तीन सिस्टर्स हैं, तीनों बड़ी हैं मुझसे पहले। ब्रदर मेरे टीचर, बड़े ब्रदर थे, वो भी नहीं रहे, एक्सीडेंट में टीचर थे। तो पढ़ाई वही हुई है, प्राइमरी भी, मिडिल भी, दसवीं भी गांव से पास की है। दसवीं के लिए प्राइवेट स्कूल चलाया था, वो आठवीं के बाद दसवीं करने के लिए पहले होता था ना प्राइवेट चलाते थे, गवर्नमेंट को पता करते थे। जी जी जी। तो उस स्कूल से मैं दसवीं हुई, दसवीं के बाद बारहवीं पढ़े रनखड़ी गया, तो पैदल चलते थे बहुत, हम एक घंटे का चलाई तो नॉन मेडिकल से वहाँ से दसवीं की थी। उसके बाद सिंजौली कॉलेज शिमला में ग्रेजुएशन के लिए आया, और इसी बीच में मौका मिल गया नाथवा झाकी प्रोजेक्ट में काम करने का। जी सर, आप भी रहे वहाँ पे, तो हम थोड़े से रहे, हम जानते नहीं थे उस टाइम। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से हुई है, पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिलोसफी का स्टूडेंट हूँ, दर्शन शास्त्र में, और मेरी पीएचडी भी फिलोसफी में। काम तो वहाँ से शुरू किया पहले, नाथवा झाकी प्रोजेक्ट से, वहाँ में टाइम कीपर था पहले, उसके बाद टाइम कीपर होते थे ना आपको पता है, उसके बाद उन्होंने क्लर्क बना दिया, उसके बाद रोल उन्होंने थोड़े से दूसरे अफसर वाले भी देने शुरू कर दिए। वहाँ पे हमने ट्रेड यूनियंस बनाई, 1500 वर्कर्स थे, इटालियन कोलेबोरेशन कंपनी थी, इटली के लोग उनके साथ काम किया, तो वहाँ पे 1500 वर्कर थे। तो हमने दो बार बड़ी बड़ी स्ट्राइकें की वहाँ, और मैं ट्रेड यूनियन का चीफ नेगोशिएटर होता था, बहुत छोटा सा चीफ नेगोशिएटर होता था। तो पहली बार हमने वहाँ पे 450 रुपये प्रति माह तनख्वाह में प्रोजेक्ट अलाउंस शुरू करवाया था उस कंपनी के, हमने करवाया था, हमने करवाया, पहले नहीं देता, पहले नहीं, हमने करवाया, बहुत सफल स्ट्राइक रही। दूसरी बार भी द्वारा की एक विषय को लेकर, एक डेढ़ साल के बाद वो स्ट्राइक टोटली फेल हुई, वो मैनेजमेंट ने सारे हथकंडे अपना के स्ट्राइक को सफल नहीं होने दिया। और उसके बाद मैं एजुकेशन में चला गया कमीशन से, कुछ टाइम दो चार साल वहाँ पे निकाली। एजुकेशन के बाद फिर ऐसा लगता था कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ पे रहेंगे तो आप 58 साल तक काम करो और 81 तक आप जाएंगे, ज़्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा लगता था कि हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं, छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। उसके बाद हमने एक सोसाइटी बनाई, सोसाइटी में कि सोशल वर्क का तो कीड़ा था थोड़ा, शुरू से कुछ करें सोसाइटी के लिए, बढ़िया कुछ करने की कोशिश करें, और वो स्ट्रगल की यात्रा शुरू हो गई, क्योंकि सोचना एक बात होती है और उसके लिए संसाधन जुटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिर स्ट्रगल किया, स्ट्रगल के बाद कुछ साथ में इनकम जनरेट करने के हिसाब से कुछ बिजनेस भी शुरू किए, और वो बिजनेस भी ना समझी से शुरू किए, कम इन्वेस्टमेंट से बड़े आइडियाज पे काम करना शुरू कर दिया, वो फेलियर हो गया टोटल, उसमें बहुत लॉसेस के बाद फिर हमने ये उन दिनों यहाँ पे वाटरशेड के प्रोजेक्ट हिमाचल में थे, रूरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए कोई यहाँ पे नहीं थी फैसिलिटी, उस टाइम हमने IARD का गठन किया। इसमें यहीं शनान में ऊपर को चढ़ के एक बिल्डिंग है, वहाँ हमने किराए पर स्कूल बिल्डिंग भी आधी अधूरी थी। हमने लैंडलॉर्ड को बोला कि आप उनको, हमने 20-30 हज़ार रुपये कलेक्ट करके 4-5 लोगों से एडवांस दिया, उनको बोला इस बिल्डिंग को तैयार करो, हम इस पर काम शुरू करेंगे। उन्होंने दो एक महीने में वो बिल्डिंग को रेडी कर दिया, और वहाँ पे हमने उधार से वो ये अरेंजमेंट बैठने का बेसिक शुरू कर दिया, और सारे डिपार्टमेंट को चिट्ठियाँ लिखनी शुरू कर दी
कि हम एक्सपर्ट हैं, ए बी सी डी सब कुछ, हम तो भगवान है, इतना ज्यादा आता है, ऐसा लिखना शुरू कर दिया। हमें आता कुछ भी पर इससे क्या हुआ, कुछ कुछ विभाग के साथ कनेक्शन होने शुरू हो गए, हम अपनी बातों तक पहुंचा पाए, कुछ कुछ प्रोग्राम्स मिलने शुरू हो गए। हमने फिर ट्रेनिंग से शुरुआत हमारी, फिर ट्रेनिंग काफी यहाँ पे हम करते रहे हैं, जीरो से शुरू किया हमने ये वाला वेंचर, एक रुपया भी नहीं है, जीरो का मतलब जब एक रुपया भी नहीं जीरो। और हमारे चेयरमैन प्रोफेसर आर के गुप्ता 90 साल के हैं सर, तो उन्होंने उनका छोटा सा वीडियो है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। हम एक कुर्सी और एक टेबल होता था संजौली में एक जगह में, तो जब वो आते थे मैं खड़ा उठता था और उनको जगह देता था, फिर हम बातचीत करते रहते। हजारों की संख्या में आपके सब नए लोग हैं, बहुत पुराने लोगों के साथ हमने काफी काम किया। हमारी 5 टीमें रेडी होती थी ऑलवेज, उनका एक प्रोजेक्टर, एक छोटा सा लैपटॉप, कैमरा रेडी, वो फिल्म ट्रेनिंग के लिए वाटरशेड पे, फॉरेस्ट्री पे, बिल फेडरेशन वालों के साथ काफी सारी हमने ट्रेनिंग पूरे मजल में, DPR हमने वाटरशेड की बहुत बनाई है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में हमने मॉनिटरिंग एजेंसी के रूप में काम किया है, और हिमाचल में हेल्थ के लगभग सभी भागों को हमने अपनी टेक्निकल सपोर्ट दी है। फिर पिछले 5-7-8-10 सालों से हमने रुख अपना बाहर की ओर करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो काम करने का माहौल है ना स्टेट में, अभी भी जरूरत है उसको इम्प्रूव करने की। हमने बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, मंत्रालयों के साथ काफ़ी काम किया है, फिर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमने काम किया है, फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो PSUs होते हैं, सरकारी कंपनी जिनको बोलते हैं, उनके साथ हमने काफ़ी काम किया और अभी भी कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में 23 राज्यों में हम फुटप्रिंट्स हमारे हैं, जहाँ पे कहीं काम कर रहे हैं, कहीं हुआ है तो, और लोग भी काफ़ी सारे आजकल थोड़ा कम हो गया कोविड के बाद, 100-150 लोग नॉर्मल काम कर सकते अलग अलग जगह पूरे देश भर। हम यूनाइटेड नेशंस में भी गए हैं, जिनेवा में भी और न्यूयॉर्क में भी, हमने भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ पर, मैं पर्सनली था वहाँ किया है, और ये जो नया आइडिया हमने यहाँ पर शेयर किया है, जो पहले वाला एम्प्लॉयमेंट वाला, जिसको न्यूयॉर्क में मैंने प्रेजेंट किया है यूनाइटेड नेशंस, सच के साथ हमेशा रहने की कोशिश करो, सच का साथ दो और सही के साथ बने रहो, सही और गलत की पहचान करने की शक्ति हमें होनी चाहिए, और सही को सही, गलत को गलत कह सके, और सच के साथ खड़ा रहने का साहस हमें होना चाहिए, जो भी सी लिया सके। और इसको क्या करना कहाँ तक What is the आपकी मंजिल? मकसद तो कास्ट मंजिल है, क्या है वो, क्या हमें पता है? मृत्यु, मृत्यु आपकी नहीं है, मृत्यु तो एक बड़ा लक्ष्य, एक बड़ा लक्ष्य, लक्ष्य क्या है, मंजिल क्या है, हमें पता होना चाहिए हमारी मंजिल क्या है। हम चल रहे होते हैं और हमें पता मंजिल का मंजिल नहीं, कहाँ चल रहे, सोच सोच का आखिरी चीज, सोच की कहां है, कहां पहुंची है सोच, व्हाई आर वी हियर, हम यहां क्यों, ये चिंतन का विषय है। और इसी चिंतन को लेकर ऋषि बने हैं। ऋषियों ने क्या करना, यही से सोचना शुरू किया कि हम यहां हैं क्यों, हम हैं कौन, हम यहाँ क्यों हैं, हमने जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है। उन्होंने सदियाँ लगाई और फिर एक अपने लिए निष्कर्ष पर पहुँचे कि हमारा एक गंतव्य है, हमारा जो लाइफ का ऑब्जेक्टिव है, छोटे छोटे तो बहुत छोटे होते होंगे सभी के ही होते हैं, वो अलग है। आप बता रहे थे ना भौतिक और आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं अभी। आत्मा क्या है,
ईश्वर का एक अंश जो हम सब में आता है। कैसे आएगा ये? यहां से ट्रेवल करेगा सहस्र पहले। ये सारे चक्र है जीवन के। इसमें नेक्स्ट लेवल में दो चीजें साथ ट्रेवल करती है, प्राण और आत्मा। लंबा हो जाएगा वैसे ही, इसमें बहुत डिटेल में जाएंगे। तो ईश्वर जब अपने अंश को अलग करते हैं और जब वो शरीर में प्रवेश हो जाता है अंश, तो उसको आत्मा कहते हैं। ईश्वर का अंश जब वो शरीर में एंटर करता है तो उसको आत्मा कहते हैं। उससे पहले वो आत्मा नहीं है, वो परमात्मा ही है। और कॉन्शियसनेस है ये, यहां से ट्रेवल करेगी सहस्र से आज्ञा चक्र होते हुए विशुद्ध होते हुए अनहत मणिपुर स्वादिष्टार मूलाधार। ये जो कॉन्शियसनेस है ऊपर से नीचे की ओर ट्रेवल करती है। धरती में जैसे कल हमने बात की थी ना, न्यूटन का लॉ पढ़ा था ना, नीचे खींचती है। तो इससे क्या है, जो भी कॉन्शियसनेस यहाँ से आती है सब हमारी नीचे की ओर चले जाती है। और लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, जितनी कॉन्शियसनेस नीचे ट्रेवल करेगी उतने ज्यादा हम जड़ होते जाएंगे। जड़ होने का मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनमें ज्यादा फंसे जाएंगे। और इनसे ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस यात्रा को रिवर्स करना पड़ेगा। ऊपर जो कॉन्शियसनेस यहां तक आ जाती है इसको धीरे धीरे उठा के ऊपर ले जाना पड़ेगा। ऊपर ले जाके द्वारा यहीं पे हमने पहुंचना है। दैट इज द जर्नी ऑफ लाइफ। जो मुक्ति की हम बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, निर्वाण की बात करते हैं, ब्रह्मलीन होने की बात करते हैं, वो क्या है, वो कॉन्शियसनेस को वापिस यहां तक ले जाने की यात्रा है। सो व्हाट इज जर्नी ऑफ लाइफ, हमें जो ऑटोमेटिकली मिला हुआ है कि कॉन्शियसनेस पूरे में ट्रेवल कर रही है, उस चेतन शक्ति को हमने वापिस ऊपर की ओर उठाते उठाते यहां तक पहुंचाना है। ये है यात्रा। और ये छोटी सी जो यात्रा है, हमने कल महावीर की बात पढ़ी थी ना, महावीर जैन की कहानी किंग त्रिपुष्टा की पढ़ी थी ना, उनको कितने जन्म लेने पड़े इस यात्रा को पूरा करने के लिए, 27। सोचो कितनी कितनी लंबी यात्रा है, 27 जन्म उनको लेने पड़े तो ये यात्रा पूरी हुई। है बड़ी छोटी सी, यहां से यहां तक की यात्रा है, इतनी छोटी सी है। और उनको 27 जन्म लेने पड़े, हमें कितने लेने पड़े हमें पता ही नहीं। आते जाओ जाते जाओ, आते जाओ जाते जाओ, यही चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर हमें पता लग गया कि जीवन की यात्रा क्या है और गोल क्या है लाइफ का, अल्टीमेट गोल हैज टू बी दिस। बाकी सब छोटे छोटे गोल है इसके अलावा, दुनिया से जुड़े हुए गोल्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो प्राइम गोल है, जो हमारे हर जन्म का गोल होना चाहिए जब तक कि वहां नहीं पहुंचे, इसमें इन्होंने एक और बात कल भी कही आज भी कही है कि ये ऐसी पढ़ाई है कि अगर हमने पांचवी इस बार पढ़ दी, अगले जन्म में आएंगे तो छठी से शुरू करेंगे। तो इसमें भी यही है, अगर कॉन्शियसनेस आपकी मूलाधार से स्वाधिष्ठान तक पहुंच गई, यहां तक, अगले जन्म में ऑटोमेटिकली आप यहीं से ऊपर उठेंगे, नीचे नहीं जाते। ये वही बात है जो इन्होंने कही थी। तो एवरी लाइफ हैज टू बी अ पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल जहां पे हम ये प्रयास करें।